कोरोना वॉरियर्स प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रवि आर कुमार आज आपके पास के लिए आपसे मिलाने लाया हूं एक ऐसी हस्ती को जिनके लिए कोरोना वॉरियर शब्द बहुत छोटा शब्द है। वैसे हम कोरोना वॉरियर इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा है समाज सेवा के लिए, और सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, कोरोना से पहले भी कई दशकों से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कई संस्थाओं से जुड़ के और अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे समाज सेवी हम श्री भरत भाई शाह हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत है भरत भाई शाह हमारे कोरोना वॉरियर्स प्रोग्राम में। सबसे पहले भरत भाई हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने इस लंबे जीवन काल में कितनी संस्थाओं से अब तक जुड़े हुए हैं जो सामाजिक कार्य में लगी हुई हैं। कुछ संस्थाओं के अगर आप नाम बताएं। रवि भाई, सबसे पहले तो मैं दिव्यांग चैनल के सब दर्शक मित्रों को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये जो दिव्यांग चैनल करने वाले अपने श्री कनु भाई, श्री कनु भाई जो अपना पूरा जीवन उन्होंने दिव्यांगों के लिए समर्पित किया है, बिल्कुल, और आज भी, आज देखो COVID-19 में भी उन्होंने इतनी बड़ी पैमाने पे ये दिव्यांगों के लिए सेवा किया है। मैं सबसे पहले तो मैं कनु भाई को मेरा प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और इसी हिसाब से कनु भाई को आज पूरे देश के सब लोग जानते हैं और सब स्टेट में सम्मानित हुए हैं, और हमारी सरकार ने भी पद्मश्री का खिताब दिया है। तो ऐसे तनु भाई टेलर आज जो काम कर रहे हैं, इस काम की मैं सराहना करता हूं, मैं वंदन करता हूं। आपका जो सवाल है रवि जी, और मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूं। जो संस्था मेरी मेन मुख्य संस्था है वो सूरत मानव सेवा संघ है, जिसे पूरे साउथ गुजरात मानो या गुजरात में छाइडो के नाम से उसको प्रचलित है, उसका पॉपुलरली नोन एज छाइडो। छाइडो, हाँ। उसके अलावा भी मैं दूसरी संस्था है, क्योंकि मैं दो चीज़ में मानता हूँ। मेरा सबसे जो बात ये है कि एजुकेशन एंड हेल्थ दो मेन सेक्टर से, और तीसरा है मानव सेवा। ये जो छाइडो है वो हेल्थ सेक्टर्स में भी काम करता है और एजुकेशन में भी काम करता है। इसके अलावा मैं लाइन्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट से जो कैंसर की ट्रीटमेंट पूरी टोटली फ्री में करती है, लाइन्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर सेंटर, अच्छा, जो डीबी तेजानी कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से सूरत में है। वो सूरत में सिविल हॉस्पिटल में है। अच्छा, वहाँ पे भी मैं सेवा देता हूँ। तो वहाँ मुफ्त सेवा होती है कैंसर की, मुफ्त इलाज होता है, पूरा मुफ्त सेवा होती है वहाँ। केमोथेरापी, रेडिएशन और ओपीडी चलती है जी। और जो माइनर ऑपरेशन होते हैं वो भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बड़े ऑपरेशन नहीं होते हैं। और ये रेडिएशन का एक जो लेटेस्ट मशीन है, लिनाक मशीन कहते हैं उसको, जो तीन तरफ से रेडिएशन देता है, वो एक बड़ा मशीन शायद 5-7 साल पहले डाला है, ये चार्जेबल में है। बाकी जो कोबाल्ट के दो मशीन है वहाँ पे पूरा फ्री होता है। ये पूरे भारत के लोगों के लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है वहाँ पे, कोई भी आदमी उसके लिए फ्री है। और ये ग्रांटेड है, जो फ्री पार्ट है इट इज़ ग्रांटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, लेकिन इसकी जो ग्रांट आती है और उसके सामने जो खर्चा होता है, इसका दोनों का डिफरेंस बड़ा होता है। डेट जो ट्रस्ट है, दे हैव टू मैनेज बाय वे ऑफ डोनेशन। तीसरी जो बात है वो मैं जुड़ा हूँ जीवन ज्योत ट्रस्ट, जो अमरोली में चलता है, और ये एक हॉस्पिटल भी चलाता है, 50 बेड की हॉस्पिटल है। और मैं ये 100% कहूँगा कि सूरत शहर की जितनी भी सेवाभावी जो संस्था है वो जो हॉस्पिटल चलाती है, इसके रेट से भी जीवन ज्योत में जो अमरोली विस्तार, जहाँ पे बहुत गरीब और लोअर मिडिल क्लास पीपल रहते हैं, उनके लिए इससे भी कम रेट में हम हॉस्पिटल में आरोग्य लक्षी सेवाएं देते हैं।
उसके साथ साथ ये जो जीवन ज्योति ट्रस्ट है वो जी कॉलेजेस चलाती है, हायर सेकेंडरी स्कूल चलाती है, सेकेंडरी स्कूल से प्राइमरी स्कूल से नर्सरी केजी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स से इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम, तो कुल मिला के करीब 10,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते जी हैं। उसके साथ में दस वहाँ हजार पे स्टूडेंट्स 10,000 स्टूडेंट्स उसके साथ भी जुड़ा हूँ, स्कूल से लेके कॉलेज तक। स्कूल से आप बोलो केजी से केजी से पीजी लेके पीजी तक तक, जी तो वहाँ से मैं जुड़ा हूँ। दूसरा है, मैं एक ट्राइबल एरिया में एक आश्रम चला चलाता हूँ, और वहाँ पे 275 ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उसको रेसिडेंशियल स्कूल है, उसको खाने का रहने का और पढ़ाने का सब जिम्मेदारी ने हमने लिया है, वो दत्तक लिया है। ऐसे तो ट्रस्ट का नाम है दत्त आश्रम जन सेवा ट्रस्ट, और इसके अंदर ये स्कूलें चलती है, लेकिन ये जो स्कूल है छाइंडो संस्था ने अडॉप्ट किया है और मैं वहाँ पे पूरा संभाल रहा हूँ, जी और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है, जो ट्राइबल के स्टूडेंट्स को ऊपर उठाना, अगर वो पढ़ेंगे तो हमारे जो ट्राइबल में जो अंधश्रद्धा व्यसन और ये गरीबी है उसको हम हटा पाएंगे, ये उसके जीवन का परिवर्तन कर जी पाएंगे। जी जी इसीलिए वहाँ पे मैं स्कूल चलाता हूँ, और स्कूल चला के ये ट्राइबल स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें ताकि वो उसको, एक ताकि वो ऊपर उठ सके, वो ग्रेजुएट, उसको मैंने बताया है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपको ग्रेजुएट तक कोई भी आपका खर्च बिना मैं पढ़ाऊंगा आपको, और पढ़ाई में भी क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले उन लोगों को, जी इसकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और मैं इस बात बताऊँ कि जब मैंने एडोप्ट किया था ये स्कूल, तब ये 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड का रिजल्ट आता है, इट वॉज एन ओनली 15%, और हमने ये 15% के उठा के 81% तक हमने ये बोर्ड क्या का बात रिजल्ट है आया। जी बहुत तो बड़ी ये जो बात है, इसीलिए कि भाई हम चाहते हैं कि लोग अच्छी पढ़ाई करें और आगे बढ़े, और जीवन में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उसका कुटुंब में, उसके जो फैमिली है में, इसमें परिवर्तन आएगा, वो जिस तरह रहे हैं उसमें उठाव आएगा। दूसरी जो बात है, मैं जुड़ा हूँ इसी तरह, हमारी एक संस्था है ये जो विकलांग, अरे ये जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, अच्छा उसकी एक स्कूल है, उसके मेंटली साथ भी मैं रिटार्डेड जुड़ा जो हूँ। बच्चे हैं, एक मांडवी में हम आँख की हॉस्पिटल चलाते हैं, ये जो मांडवी क्षेत्र में दिव्य ज्योति ट्रस्ट है, आई एम प्रेसिडेंट है, और ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल का मांडवी नाम जिला है, है सूरत के मांडवी बगल में, नॉट जिला, इट इज सूरत जिला में, सूरत जिला का मांडवी इज तालुका पे, तालुका है, हाँ इट इज 65 किलोमीटर फ्रॉम सूरत। तो वहाँ पे हमने एक हॉस्पिटल तेजस आई हॉस्पिटल बनाई है, और वहाँ पे अभी आज की तारीख में सालाना एक साल में 15,000 ऑपरेशन होते हैं। वो किन के लिए, गांव और आदिवासी? इसमें जो आदिवासी जो एरिया है, इसके 100 किलोमीटर रेडियस के एरिया हमने ये हॉस्पिटल में कवर किया है जी। और पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमने 20 लाख पॉपुलेशन वहाँ पे कवर किया है। अच्छा, और ये सिर्फ हॉस्पिटल 20 लाख पॉपुलेशन वहाँ पे सेवा देती है, ऑप्टोमेट्री कॉलेज भी हम चलाते हैं। अच्छा, तो ये कॉलेज और हॉस्पिटल, इसपे ये हॉस्पिटल ऐसी है कि पूरे गुजरात में जो हम कह सके कि भाई 100% इक्विप्ड हॉस्पिटल कह सके, उसमें सिर्फ 4 के 5 हॉस्पिटल है, वो 4-5 हॉस्पिटल में हमारा नंबर भी आता है, जो इट इज 100% जो ट्राइबल एरिया में चलती है, लेकिन 100% इक्विप्ड हॉस्पिटल। वहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी होता है, वहाँ पे ग्लूकोमा, रेटिना, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, के लिए कोई प्रकार, कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ है, हमारे यहाँ जो पेशेंट आए उसको हम ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि आपको कहीं और रेफर करना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा या चेन्नई जाना पड़ेगा, और सब मुफ्त। और ये जो आदिवासी क्षेत्र के है उसको मुफ्त में है, लेकिन जो बाहर से आते हैं लोग, जो अच्छे घराने के जी, जी, तो उसको कम रेट में, कम रेट है, राहत, तो राहत दर में जी। तो इस तरह से ये हॉस्पिटल चलती है। 15,000 में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 10,000 ऑपरेशन टोटल फ्री हुआ है, क्या बात है। तो 5,000 लोगों के पास हमने पैसा लिया है, और इसके अलावा पैसा लेने के बावजूद, और ये 10,000 जो फ्री करते हैं इसमें गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत सब्सिडी आती भी है जी। उसके बावजूद भी वहाँ पे 3 से 3.5 करोड़ रुपया जुड़ना पड़ता है। और मैं आज ये भी बताऊँगा कि जो हमारी जो मांडवी की हॉस्पिटल है बहुत छोटी पड़ रही है, इतना ऑपरेशन बाद में, तो हमने उसका सेटेलाइट यूनिट चालू किया है। अच्छा, और ये सैटेलाइट यूनिट के अलावा विजन सेंटर चालू किया है,
ताकि यहाँ मांडवी से भी 50 किलोमीटर दूर रहने वाला कोई भी मरीज है, वो आदिवासी है, उसको अगर बताने के लिए आना पड़े मांडवी में तो उसका वो बस जो ट्रैवलिंग करेगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहेगा, उसका एक दिन भी बिगड़ेगा, उसकी रोजी चली जाएगी, तो उसको उसके यहाँ ही छोटा अगर कुछ काम हो तो उसके पास में ही हो जाए। विजन सेंटर में क्या है कि जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है, छोटी मोटी जांच और वो सब नहीं, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, वो वहाँ पे मशीन लगाया है, वो अपनी आंख वहाँ पे रखता है और हमारे मांडवी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उसकी आंख तपासता है। क्या बात है, तो ये हिसाब से अलग अलग जो जो छोटे छोटे कस्बे है वहाँ पे विजन सेंटर लगाने से पेशेंट वहीं अपनी ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उसका रोजगार है, समय बचता है, दिखाता है और उसको टेक्नीशियन को यहाँ से बताना पड़ता है कि उनको ये दवा दे दो। बहुत बड़ी सोच है। तो ये उन लोगों की रोजी बच जाए, उसका पैसा बच जाए, समय बच जाए और वहाँ दर्शकों आज का कार्यक्रम बहुत विशिष्ट होने जा रहा है क्योंकि हमारे बीच जो जिनको हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में लेके आए हैं लेकिन वो शब्द बहुत छोटा है। आज का कार्यक्रम इन अर्थों में विशिष्ट हो रहा है कि जिन भरत भाई शाह साहब से हम बात कर रहे हैं वो देखने में एक सामान्य हाड़ मांस के मानव हैं लेकिन हम सब उनको जब उनके कार्यों को समझेंगे, जितनी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, जितना बड़ा सेवा का काम हो रहा है, वो एक सामान्य नहीं कोई महामानव ही कर सकता है। और उस कद के साथ भरत भाई शाह सूरत और आसपास के लोगों की पिछले 27-28 सालों से जहां तक मैं जानता हूं सेवा का कार्य कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ और बिना लाइमलाइट के। मैं आपको बताऊं दर्शकों बहुत खुले मन से कि इस कार्यक्रम में भी भरत भाई को बुलाने के लिए मुझे 4 बार फोन करना पड़ा, वो बहुत इच्छुक नहीं है। प्रचार से और मीडिया से दूर रहने वाले, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले सेवाभावी जो बहुत ही रेयर है। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम एक छोटा सा दान करते हैं और सेल्फी लेके फेसबुक पर डाल देते हैं, कभी भी छायड़ों ने और भरत भाई शाह ने प्रचार पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सेवा पर ध्यान दिया। आज मैंने भरत भाई शाह साहब को बहुत मुश्किल से मनाया है ये कह के कि आप आए कार्यक्रम में तो लोग देखें तो पता चले कि ऐसा भी कार्य हो रहा है और लोगों को इंस्पिरेशन मिले। हमें समाज को और इस देश को आपके जैसे बहुत सारे भरत भाई शाह चाहिए जो इस ज्योति को आगे जलाते हुए और ज्योत से ज्योत जगाते चले और इसको ये गंगा को आगे लेके जाएं। इसके लिए और तब भरत भाई शाह यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम बारी बारी से इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भरत भाई शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो सबसे जो जो संस्था छायड़ो है, मानव सेवा संघ जिसको पॉपुलरली लोग छायड़ो कहते हैं, इसका शुभारंभ कैसे हुआ, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे जुड़े आप और अभी तक फिर इसकी जीवन यात्रा कहाँ तक पहुंची है, छायड़ो के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। ऐसे तो रवि जी, मैं बहुत सालों से समाज सेवा करता था और हमने मैं जो बिजनेस में हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक मिनट रोक के मैं जो नॉन गुजराती दर्शक है मैं उनको, छायड़ो का मतलब होता है शैडो, छाया, पेड़ की छाया, ये गुजराती शब्द है, छायड़ो मतलब छाया, पेड़ की छाया, शायद मैं सही कह रहा हूँ। यस यस, शैडो ऑफ द ट्री, शैडो ऑफ द ट्री, जिसके अंदर शीतलता देती है पेड़ की छाया, तो ये शीतलता का एक शब्द है छायडो। तो हमारे ये इसका मतलब ये होता है कि जो कमजोर लोग हैं, दुखी लोग हैं, उसको जिस तरह वृक्ष की छाया में बैठ के एक आदमी अपने ठंडक मिलता है, इसी तरह दुखी लोगों को और कमजोर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हम अपनी छाया में लेते हैं और उसको ठंडक देने का प्रयास। नाम भी बहुत जबरदस्त, कॉन्सेप्ट भी। हाँ जी, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? ये शुरुआत में ऐसा हुआ कि ऐसे तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस के बाद मैं बिल्डर बना और बिल्डर में एक ही। आपके जीवन में कितनी विविधता है, आपने चार्टर अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और चार्टर अकाउंटेंसी से सीधे बिल्डर हो गए, बिल्डर बना और बिल्डर के बाद आप ये, मैं डोनर बना, डोनर। डोनर बनने के बाद मुझे जब 1995 में पोपट भाई व्यास, यू मस्ट बी नोइंग, ये जो सरकार के गृह मंत्री थे 1973-74 में, वो उसने मुझे बुलाया और न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस में मुझे सेवा करने के लिए बोला। तो मैं वहाँ पे सरगम मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पे जाता था और वहाँ पे सेवा देता था। और सिविल हॉस्पिटल में जो मैंने देखा, ये उसने मेरा सूरत सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा है, सूरत सिविल जी सरकारी अस्पताल, मेरा दिमाग बदल दिया कि वहाँ पे मुझे लगा
कि मनी इज रिक्वायर्ड बट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. किस चीज ने आपको विचलित कर लिया? ये जो वहां, सूरत, वहां पे जो गरीबी देखी, लोगों की हालत देखी, फटे कपड़े, चप्पल नहीं है, धूप में भी वो वहाँ पे वो पड़े रहते हैं, और उसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि हमारे देश की क्या स्थिति हो, क्या स्थिति है, और ऐसे गरीब लोगों की क्या हालत है, किस तरह से वो लोग जीते हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो दूसरी बात ये है कि मैं जब छोटा था, ये जो हमारा संस्कार कहते हैं हम, जिसको हमारी संस्कृति है, वह हम जब छोटे थे तो हमारे घर में पहले के ज़माने में लोग बाहर गांव से आते हैं तो स्टेशन से सामान के साथ वो घोड़ा गाड़ी चलती थी पहले, वो रिक्शा नहीं थी जी. तो घोड़ा गाड़ी में अच्छे लोग बैठते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अपना सामान खुद उठाकर सिर पे रख के पैडल चलते चलते वो घर तक आते थे. और कोई जो थोड़ा बहुत पैसा था तो जो अपनी जो गवर्नमेंट बस थी, बस में नजदीक का स्टेशन पर उतर के वो घर पे जाते थे. तो हमारे घर से जो ऐसे जाते थे तो हमारे ओटले के ऊपर हमारा बड़ा आगे का पोर्शन था, तो इसपे थोड़ा आराम के लिए, विश्राम करने के लिए बैठते थे. तो मेरी जो मदर थी, मैं देखता था कि मदर ऐसे विश्राम करने वाला आता था, उसको भी पानी पिलाती थी. अगर बहुत तकलीफ वाला लगता है और आधा घंटा तक बैठता है तो उसके लिए चाय भी देखती थी. घर पहली पाठशाला होती है और माँ पहली गुरु होती है. ये भरत भाई साहब पर चरितार्थ होता है कि घर की पाठशाला से इन्होंने सेवा का जो की जो शिक्षा ली, और माँ जो पहली गुरु होती हैं, वो गुरु ने जो सिखाया वो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया. ये दिमाग में ही था कि भाई मेरी माँ इस तरह सेवा करती थी. और उसके बाद जब सिविल हॉस्पिटल में पोजीशन देखी लोगों की, तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट प्लेस टू सर्व द पुअर एंड नीडी पीपल. कुछ करना चाहिए, करना चाहिए. यहां से शुरुआत और यहां से मैंने वहां पे चालू रखा. और इन 1998 हमारे साथ तीन लोग आए. 1998 मतलब आज 23 साल पहले. 23 साल पहले. बाईस साल हुए. तो एक रामजी भाई चांदक करके थे, सत्यनारायण राठी और श्याम सुंदर बियानी जी, वो बोले कि भाई आप यहाँ पे सेवा करते हो. और वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक हमने मकान बनाया था, इसमें सोने की व्यवस्था थी, और वहाँ पे हम जो प्राइबस देते थे उसको, बर्तन देते थे उसको, हम आटा और साग भाजी, तेल, मसाला सब कुछ देते थे. वो अपने हिसाब से ग्रुप वाइज अपनी रसोई बनाते थे, खाना खाते थे, वहाँ सोते थे और हॉस्पिटल में जाते थे. तो उन लोगों ने ऐसा बताया कि भैया खुद लोग वो खाना खाते, इसी बजाय हम पक्का खाना ही, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे शुरू करें जी, तो उन लोगों के बड़ी सुविधा होगी. और पोपट काका ने ये मंजूरी दी, और क्योंकि हमारे तो सबसे पहले गरीबों को भोजन देने से शुरुआत हुई. आश्रय और भोजन. आश्रय और भोजन, भोजन दो चीज इससे छायड़ों की शुरुआत हुई. एक डॉर्मेटरी और खाने की व्यवस्था. खाने की व्यवस्था तो मुफ्त, दोनों मुफ्त. और ये नहीं, वो ₹3 शुरू किया था हमने, ₹3. और आज की तारीख में भी हम ₹3 लेते हैं. 22 साल पहले ₹3 और आज भी ₹3 है. यू जस्ट इमेजिन दर्शकों, ये हमने कभी भी जो चीज हमने बनाया, जो चार्ज रखा है, इसमें कभी चेंज नहीं किया है. तो ये वहां से शुरुआत हुई, और जगदीशन साहब ने ये हमारा जो भोजनशाला था उसका ओपनिंग किया था. और वहाँ से शुरू होके ये डेवलपमेंट होता चला. पहले हमने ये भोजनशाला शुरू की सित्तिया. कौन सी जगह पे शुरू की है? सिविल हॉस्पिटल के अंदर में, प्रीमाइसेस के अंदर. भोजनशाला में कौन आ सकता है? ओनली पेशेंट्स रिलेटिव जो एडमिटेड इन सिविल हॉस्पिटल, उनके रिलेटिव को खाना. इसको रिलेटिव के जो बाहर गाँव से होते हैं, तो उसके लिए कोई लॉज भी के नहीं जाना पड़े, या कोई रिलेटिव नहीं होता है तो उसको खाना यहाँ से बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ. उसके बाद सुबह चाय शुरू की. उसके बाद जो अपने डिलीवरी के लिए जो वुमेन्स आती हैं, तो उनके लिए सुबह में हमने मुफ्त में प्योर घी में बनाया हुआ हलवा देना शुरू कर दिया. उसके बाद वो जो घर जाती है तो उसको हमने वसाना पाक का 1.5 किलो का डब्बा फ्री में देना शुरू किया. पौष्टिक आहार. हाँ, सब धीरे धीरे नए नए आयाम जुड़ते गए. जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए 15-16 कपड़े की किट, इसमें लंगोट, जबला, कांटोपी, लाड़ियों कहते हैं हम गुजराती में, वो मैट्रेस, उसको बांधने का कपड़ा,
उसकी मच्छरदानी वाली एक झोली होती है वो, ये सब हमने तो नहीं, नहीं, देना शुरू कर दिया। छायड़ों की बात करें तो मतलब भरत भाई जितनी संस्थाओं से जुड़े हैं और जितना बड़ा काम हो रहा है, अगर बात करें तो पूरा दिन कम पड़े क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अध्याय है इसका। मैं ये जानना चाहूंगा भरत भाई कि वर्तमान में छायड़ों की किस तरह की गतिविधियां, छायड़ों कितना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है आज के डेट में, किस तरह के कहां कहां इसकी गतिविधियां चल रही हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने सेवा केंद्र चल रहे हैं, और उसके बाद हम कोरोना पर आएंगे। तो आज पहले छायड़ो अभी वर्तमान में क्या कर रही है, वर्तमान में क्या स्वरूप? आप जो बात किया वो भोजनशाला की एक्टिविटी चलती है। वो कहाँ चलती है भोजनशाला? न्यू सिविल हॉस्पिटल, न्यू सिविल हॉस्पिटल, और उसके साथ न्यू सिविल में एक राहत दल का मेडिकल स्टोर चलता है, एमआरआई सेंटर चलता है न्यू सिविल में, एमआरआई सेंटर, वो डायलिसिस सेंटर मुफ्त में है, डायलिसिस मुफ्त, इट इज 100% फ्री। और ये क्या है कि जो महामृतम कार्ड वाले होते हैं उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन हमारी संस्था महामृतम के बिना कोई भी स्टेट का आदमी है जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका भी डायलिसिस करते हैं, उसको भी हम डायलिसिस टोटल फ्री में करते फ्री हैं। तो ऐसे 50-60% महामृतम वाले तो फ्री होते ही है जिसका पैसा मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के जो पेशेंट है उसको भी फ्री करते हैं। और वन डायलिसिस कॉस्टिंग 1800 रुपीज, और हमारी संस्था आज हमारे दो सेंटर हैं, दो सेंटर मिला के 14,000 डायलिसिस करती है हर महीने में, हर साल 14,000 डायलिसिस, 14,000 डायलिसिस। दर्शकों आप 14,000 × 1600 कितना बताया, 1800 रुपए, 14,000 × 1800 काउंट करो, इतना कार्य मुफ्त में गरीब लोगों की सेवा। और इसमें से थोड़ा जो गवर्नमेंट से महामृतम में आता है मिलता है जी, उसके सिवा हमने लेबोरेटरी चालू किया है वहाँ पे पेथले, वो भी राहत दर से चालू किया है टेस्टिंग का, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। 3 साल पहले हमने उधना मेन रोड पे जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर चालू किया है, वहाँ पे राहत दर से सब कुछ सेवा है, डायलिसिस फ्री है, इसमें MRI, CT scan, सोनोग्राफी, एक्सरे, डेंटल ट्रीटमेंट, पैथोलॉजिकल लैब, फिजियोथेरापी सेक्शन, रेटिना के ऑपरेशंस, और उसके अलावा TMT जो कार्डियक के जो पेशेंट है उसके लिए जो करना पड़ता है वो कार्डियोलॉजिस्ट आता है, बैठता है, और OPD सब चलती है, और ये सब पूरा मेडिकल सेंटर है, ये OPD बेस है, सुबह से शुरू होकर रात तक चलता है, और वहाँ पे डायग्नोस्टिक के लिए सब फैसिलिटीज है। तो वो भी एक आधुनिक हॉस्पिटल जैसा। हमने मेमोग्राफी भी चालू किया है, जो मैं समझता हूँ ये वीडियो के द्वारा मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं कैंसर हॉस्पिटल पे सेवा करता हूँ वहाँ पे मैंने ज्यादातर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर में देखा है, तो मैं बहुत कॉमन होता जा रहा है कि ये 35 या 40 साल की उम्र वाली सब महिलाओं को एटलीस्ट एवरी ईयर 2 टाइम्स या 1 टाइम अपने मेमोग्राफी कराना चाहिए। उसका क्या शुल्क है? ये सिंपल ये 500-600 रुपये होता जा रहा है। और मार्केट में क्या होगा? हमने तो 2,000 रुपया, लेकिन हमने तो ये कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर कैंप करते हैं और कैंप में जो सस्पेक्टेड है उसको अगर मेमोग्राफी कराना है तो हम टोटल फ्री में करेंगे। ऐसे जो भी है जो जिसकी परिस्थिति नहीं है 600 रुपये देने की, तो इसके लिए फ्री, डू इट फ्री, राइट। तो इस पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेमोग्राफी ये कर देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ हर लेडीज जो है वो कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है तो पूरा लाइफ से हो जाए। तो अभी छायड़ों का एक एक सेंटर, MRI सेंटर, सिविल हॉस्पिटल सूरत में चल रहा है, कैंसर से रिलेटेड काम हो रहा है वहाँ, पैथोलॉजिकल लैब चल रहा है, एक उधना में हॉस्पिटल चल रहा है, रिलेटेड वर्क है जो लायंस कैंसर डिटेक्ट, लायंस कैंसर डिटेक्ट, वो अलग है छायड़ों से अलग है। और छायड़ों से दूसरा एक जुड़ा है राजस्थान, लोगों ने मिलकर हमने राजस्थान छायड़ो मानव सेवा संतोष, वो सूरत में ही पर्वत पाटिया सूरत में, जी हाँ, तो वो वहाँ पे भी ये मेडिकल सुविधा है, हम राहत दर से सारी दी है। और आदिवासी विस्तार में क्या क्या काम हो रहा है? आदिवासी विस्तार में हम लोग ट्राइबल एरिया के स्कूल तो चलाते हैं, लेकिन पूरे आदिवासी विस्तार में एक हेल्पिंग हैंड्स करके संस्था है, उसके साथ जुड़ के हम जो भी आश्रमशाला है उसका यूनिफॉर्म बनाना है, नोटबुक देना है, उसको दफ्तर देने का है, और ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ चार्ज हर बच्चे को देते हैं। और एक जो वैकेशन में हम ये आदिवासी बच्चे को लिए ट्यूशन की भी व्यवस्था वही जगह पे, तब तो सोडी करके एक विलेज है, इट इज जस्ट 130 किलोमीटर फार फ्रॉम सूरत, तो एकदम रिमोट एरिया, वेरी रिमोट, तो वहाँ पे जो भी आश्रमशाला है
तो वहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो भी एक ट्यूशन वैकेशन, मतलब उनकी शिक्षण की भी पूरी व्यवस्था, ताकि ये शिक्षण में ये थोड़ा आगे बढ़े, उसका क्लास आए, क्लास आने के बाद उसको एडमिशन की सुविधा मिले और ये ग्रेजुएट तक पहुँच जाए और ये अपना जीवन बदल सके। यही एक भावनाओं के साथ हमने ये काम किया है। हम हमारे जो बच्चे हैं खेरगाम के, उसको हम वैकेशन में सूरत लाते हैं, और जो बोर्ड के बच्चे हैं उसको महेश्वरी समाज है यहाँ का, और महेश्वरी समाज की स्कूल चल रही है, तो वो लोग हमको ये सेवा देते हैं कि भाई हमारी संस्था के जो बच्चे हैं वो ये बिलपुड़ी करके वो धर्मपुर के पास है, उसके बच्चे वो 3-4 संस्थाओं के बच्चे को 150 बच्चे इकट्ठे करके महेश्वरी समाज में यहाँ पे पुणे से आगे रोड पे है। हाँ जी, तो जी, जी। ये स्कूल ये बच्चे को 3 महीना रखते हैं, खाना खिलाते हैं और पढ़ाते हैं, और प्रोफेशनल टीचर्स को रखे पढ़ाते हैं, उसको बोर्ड की एग्जाम देते हैं, ताकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा परसेंटेज ऊपर उठे तो उसको एडमिशन, अगर आगे बढ़ना है, साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो पूरा हेल्प हम कर सकते। जी जी, मैंने पर्सनली भी एक बार उस स्कूल में गया था, तो वहाँ इस बात की चर्चा हुई कि वहाँ के प्रिंसिपल हैं श्री संजय गुप्ता जी, और डायरेक्टर वहाँ के, और वहाँ प्रिंसिपल में हैं पॉल जोसेफ साहब, तो उन लोगों से भी बात हुई, तो उन लोगों ने भी इसकी चर्चा की थी कि 150 बच्चों को वो आदिवासी बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। जी, अब मैं भरत भाई आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छायड़ों के कार्यों को के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में दर्शकों कोरोना का कोहराम छाया हुआ है, पूरी मानवता कोरोना से त्रस्त है। इसमें डॉक्टर और जो हेल्थ सर्विसेज के लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, और दूसरे समाज के जो दूसरे, वो तो कोरोना वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और उनको तो जितनी बार सलूट करें वो कम ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्वयंसेवी ग्रुप हैं, जो बहुत सारे एनजीओज हैं, ट्रस्ट है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के पूरे मानवता की सेवा की है। मैं भारत की बात करूं, उसमें गुजरात की बात करूं, और खासकर सूरत की बात करूं, तो उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और कोरोना अगर भारत में काबू हुआ है, तो जितनी सरकारी एजेंसियों का योगदान है, हमारे फ्रंट वॉरियर्स का जितना योगदान है, उतना ही समाज सेवियों का और सामाजिक संस्थाओं का योगदान है। तो मैं यहाँ भरत भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि छायड़ो संस्था ने कोरोना महामारी के दौरान, जो मार्च से ही भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया और अभी भी पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 5 के फेज में हम जा रहे हैं, तो क्या योगदान किया, क्या क्या काम किए छायड़ो ने, किस तरह की गतिविधियां चलाई? ये जब लॉकडाउन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया 25 तारीख को, 25 मार्च को, तो उस दिन पे तो मैं भी क्वारंटाइन में था, क्योंकि मेरे बेटे का बेटा पोर्टुगल से आया था और हम साथ में रहते थे, तो ये मेरा लास्ट डे 26 मार्च था क्वारंटाइन का। अच्छा, तो जैसे ही हुआ, उसी मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि अगर लॉकडाउन हुआ और पूरा बंद हो गया, तो जो लोग यहाँ पे सूरत इतने इंडस्ट्रियल सिटी और वहाँ पे इतनी फैक्ट्री चलते हैं, और पर प्रांतियों आउट स्टेट के लोग, अदर स्टेट के माने में यहाँ पे रहते हैं, माइग्रेंट्स पीपल बहुत बड़ी, तो ये आई थिंक सो इट इज अराउंड 20 लाख के करीब आसपास सूरत में, दूसरे स्टेट के जो 20 लाख लोग रहते हैं वर्क फोर्स, और वो फैमिली के साथ है, वो तो समझो अपना खाना घर पे पका रहे हैं, लेकिन जो सिंगल मैं समझता हूँ और मेरी जानकारी में था कि एक एक रूप में 8-8 आदमी पर प्रांतियों के साथ में रहते हैं और काम करते हैं और पैसा बचा के अपने वतन पे घर भेजते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ये VC जो कहते हैं खाना खाने के लिए जो होती थी वो बंद हो जाए, भोजनालय बंद हो जाए, खाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई, पूरा लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई, और उसका जो मालिक है उसके साथ का भी कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, मालिक का भी कोई वहां से अगर सहारा नहीं, कई छोटे मोटे फैक्ट्री के मालिक तो बंद करके निकल गए वो, हाँ वो तो ऐसे लोगों को खाना कौन खिलाएगा। सही, तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट ने सुविधा भी की होगी, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि हमारी संस्था इमीजिएटली वी शुड स्टार्ट दिस वर्क। तो 26 को मेरा जो क्वारंटाइन का लास्ट डे था, मैंने जगदीश भाई पटेल, अपने डॉक्टर जगदीश भाई पटेल मेयर है, उसको टेलीफोनिक बात की और मैंने सूरत के मेयर डॉक्टर जगदीश भाई और मैंने बोला कि मैं कल से चालू करना मांगता हूँ, तो इमीजिएटली तो मैं आपको एप्लीकेशन दे नहीं सकता हूँ क्योंकि आई एम क्वारंटाइन इन माई होम, राइट। तो उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप पर मुझे एप्लीकेशन दे दो, immediately I will take the action। मैंने WhatsApp पे immediately वहाँ पे सरकारी तंत्र ने भी आपको ये, और जगदीश भाई ने immediately वो forward किया, गायत्री बैंक करके coordinator है
गायत्री बहन का इमीडिएटली मेरे पर फोन आ गया। गायत्री बहन ने बोला कि आपको कौन सा कम्युनिटी हॉल चाहिए, बोलो इमीडिएटली, कल से मैं दे देती हूँ। मैंने मेरे कैटरर्स को फोन किया कि भाई आपको ये काम करना है, बोला कि मैं रेडी हूँ, आपको मेरे को जो भी आदमी चाहिए, पकाने वाला, जो भी आपको मैनेज करना है, और कल से सुबह से ये काम शुरू करना है। क्या बात है। तो सूरत शहर के जो मेयर श्री हैं डॉक्टर जगदीश भाई पटेल साहब, उनका भी बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग मिला, तुरंत रेस्पॉन्स मिला, तो वो भी बधाई के पात्र हैं कि सरकारी तंत्र भी इस तरह से रेस्पॉन्स करे सेवा के कार्य के लिए, ये भी बहुत रेयर बात। ये भी बताता हूँ कि भाई 27 मार्च को हम ये पूरा कम्प्लीट कर दिया, और मैंने कैटरर्स को बोला कि जो जरूरी चीजें चावल और आटा तेल आप अभी का अभी मंगवा के वो वहाँ पे चालू करो, और 26 तारीख को शाम को मेरे कैटरर्स के आदमी और सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सब आदमियों ने उसको साफ सफाई सब कुछ कंप्लीट करके 27 को सुबह भोजन का काम शुरू कर दिया। भरत भाई, छाड़ो का जो रोटी कलेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो नेशनल मीडिया ने भी कवर किया है, पूरे देश में आपका कार्य, छाड़ो का कार्य सराहा गया है। हमने नेशनल मीडिया में कवर किए गए रिपोर्ट्स को भी देखा है, और हमारे दर्शकों ने भी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए देखा होगा कि किस तरह से लाखों रोटी कलेक्ट करके लाया गया, और इसमें ये पूरा काम कैसे हुआ, किन किन संस्थाओं ने योगदान दिया, और कितने लोगों तक रोज फूड पैकेट, लास्ट तक कितने लोगों तक फूड पैकेट पहुंचता था, कैसे पहुंचता था, ये जरा आप शॉर्ट में बताएं हमें भरत भाई। रवि जी, हमारी संस्था का वही एक ही मकसद हुआ कि इस पोजीशन में कुछ देखना नहीं है, सबको खिलाओ, किसी को भूखा नहीं रखना, किसी को भूखा नहीं रखना है, कोई भूखे ना सो जाए, शहर का एक भी श्रमिक भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उससे हमने 2200 से शुरू किया, और एक बात मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेशन ने हमको 2 ऑफिसर्स दिए वहाँ पे, वो वहाँ पे ही बैठते थे और हमको मदद करते थे, और ये जो सैनिटाइज करने का था, सोशल डिस्टेंस रखने का था, वो जो मास्क पहनना था, ग्लव्स पहनना था, टोपी पहनना था, ये उसके साथ काम करना था, ये सब। तो कलेक्टर ने भी एक आदमी को वहाँ पे रखा था, अच्छा, और सिविल प्रशासन भी सहयोग में थी, उसके पूरा भी सहयोग था, और ये हमको वहाँ से मालूम पड़ा कि डिमांड ज्यादा से ज्यादा होती रही है। तो हमारी जो कैपेसिटी बनाने की थी, लेकिन मेरे कैटरर्स ने बोला कि आप बोलो मैं बढ़ा दूं, तो मैंने बढ़ा दगा, लेकिन बढ़ाने के बाद भी रोटी अगर बनाना है, पूरी तरना है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये इतनी कैपेसिटी में हम बढ़ा नहीं सकता। अगर हमको कैपेसिटी बढ़ाना है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि भाई हमारा एक सूत्र साथी हाथ बढ़ाना, तो हम क्यों ना सबको जॉइंट करके एक काम करें, तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो मैंने वीडियो पे, जो व्हाट्सएप पे मेरा एक वीडियो वायरल किया कि भाई मैंने अपील किया जो नारी शक्ति है, बिल्कुल, जो अपनी जो महिलाएं है, जो गृहिणी है, क्योंकि भाई आप अपने घर में बैठे बैठे भी सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। वो ये है कि हमें आप एक्स्ट्रा अपने घर की रोटी के सिवा एक्स्ट्रा 5 रोटी बनाओ और वो 5 रोटी हमको दो, क्या बात? और ये 5 रोटी आपकी जो है वो हमारे काम में, जो श्रमिक है उसके भोजन में काम। तो भरत भाई, पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले भी सूरत में या गुजरात में कभी हुआ था? नहीं, मैंने तो सुना नहीं है ये कॉन्सेप्ट, मेरे दिमाग में ये आया, और मैंने ये बहुत इनोवेटिव आइडिया, और ये जो इतना वायरल हो गया और इसका ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला। मैंने शहर में घूम के देखा कि जितनी भी महिलाएं इससे जुड़ी थी, जो रोटी कलेक्शन से जो रोज रोटी बना के देती थी, वो खुद स्वयं को छायड़ो के प्रति आभारी महसूस कर रही थी। उनका विचार ये था कि छायड़ो ने हमें घर बैठे इस कोरोना में सेवा करने का मौका दिया, इस तरह का भाव था उनके मन में। वो उसको ऐसा लगा कि भाई भले हम घर में थे, लेकिन हमने इस पोजीशन में भी सेवा का कुछ काम छाइंडो के माध्यम से किया, तो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो मिला। और ये आपको बताऊं मैं कि इतना चला कि इसके लिए मेरे 120 वॉलेंटियर्स सिर्फ कलेक्शन सेंटर में लगे थे, उसके 1200 कितनी रोटियां आती थी रोज, करीब 1.5 लाख रोटी, 1.5 लाख रोटियां रोज आती थी, दर्शकों, और 1280 सेंटर थे, 1280 1280 सेंटर्स जहां कलेक्शन होते, और 120 वॉलंटियर्स सिर्फ कलेक्शन में लगे थे, गाड़ियां जाती थी, कलेक्शन होता था, सेंटर पे आती थी। और उसके अलावा भी ये बहुत सारे मंदिर है, ट्रस्ट है, समझो
आज अन्नपूर्णा ट्रस्ट है जी, तो वो लोग हमको 5,000 रोटी भेजते थे। हाँ। लक्ष्मीपति सेवा समिति है जो खाना खुद भी बनाती थी, वो खुद भी बांटती थी, लेकिन लक्ष्मीपति ग्रुप जो साड़ी लक्ष्मीनाथ सेवा समिति, अच्छा लक्ष्मीनाथ साहब, तो उन लोगों भी वो 7,000 रोटी हमको देते थे, वो हम भी बनाते थे क्योंकि ऐसी जहांगीरपुरा मासमा ये जो दो सेंटर है वहाँ पे जो लेडीज है, बोले कि हम पैसे तो नहीं दे सकते लेकिन आपको अगर रोटी बनानी है आप हमको आटा तेल गैस इसकी सुविधा कर दो, वो श्रम दान करते थे, वो श्रम दान, और वो 70-70 महिला एक साथ बैठ के रोटी बनाती थी, तो उसकी भी रोटी आती थी। ये जो सेवा में जो आपने बहुत बड़ी सहभागिता का कॉन्सेप्ट दिया कि जो बहुत बड़े स्तर पर लोग सहभागी बने, क्योंकि एक व्यक्ति कोई काम अकेले नहीं करे, पूरा समाज में एक सेवा का भाव आपने जगाया। ये सिर्फ गरीबों को खाना खिलाना नहीं था, एक सेवा के भाव को जगाना और एक अच्छे नागरिक की तरफ समाज को मोड़ना, समाज में एक अच्छे नागरिक बने लोग और एक कम्युनिटी सर्विस की भावना जगे लोगों में, ये चीज छायडो ने जो किया, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समाज के लिए और मार्गदर्शन भी है आगे के लिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अंत में कितने फूड पैकेट्स बनते थे? ये जो था कि भाई ये जो जितना हमने जो 2200 से शुरू किया था और 1.125 लाख पर डे पे आ गए, 1,25,000 पर डे फूड पैकेट। हाँ, फूड पैकेट्स नहीं, फूड लूज फूड, लूज फूड। हम इसमें ऐसा है कि भाई पर्वत पाटिया विस्तार है तो हमारे यहाँ भारत भारती संस्था जी, है जी। तो भारत भारती संस्था वाले पहले हमको पर्वत पाटिया की वहाँ महिलाओं से रोटी देती थी, ऐसे सिंधी समाज भी देता था रोटियाँ, ये समाज वाले भी इकट्ठा होकर रोटियाँ देती थी। और हमने ऑनलाइन पे एप्लीकेशन शुरू किया था तो एक अमलन चक्रवर्ती करके था, वो 90,000 रोटी कलेक्शन करता था। उसके अलावा समाज वाले, उसके अलावा संस्थाएं, उसके अलावा मंदिर, गलतेश्वर मंदिर है आज यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से भी रोटी आती थी। तो इस तरह से ये रोटी तो इकट्ठी होती थी। इसके अलावा समझो हमने सोचा कि भाई अभी बंद है तो बड़े बड़े डायमंड के व्यापारी यहाँ किचन चलते हैं तो उसके मशीन भी पड़े हैं, तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप अपना मशीन हमको यूज करने के लिए, तो 1-1 घंटे में 4,000 रोटी निकलती है ऐसे मशीन पर अपने रोटी बनाई। हमारे यहाँ भी अपना खुद का मशीन था तो ऐसे मशीनों का भी उपयोग किया, मंदिरों से रोटी आई, मानव श्रम मशीन आधुनिक और सब चीजों, रोणियों से रोटी आई, ये सब रोटी, और ये दादा भगवान मंदिर है अपने कामरेज में तो वहाँ पुड़ी बनाने का मशीन है, तो वहाँ पे पुड़िया आई, हमारे कामधेनु में एक श्याम भाई राठी का, सारी संस्थाएं जुड़ गई, सब लोग जुड़ गए हमारे साथ जुड़े। और ये हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारा सेंटर पर सिर्फ सब्जी बनती थी और हमने सब्जी, ये पूरा जो ये सब्जी बनाने का काम था ये दो सेंटर पे चलता था हमारा अमीधारा बाड़ी, ये हमने जो कम्युनिटी हॉल था वो चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ दी क्वारंटाइन, वहाँ पे एकदम बहुत सारे केस पॉजिटिव आ गए तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, तो वी शिफ्टेड टू अमीधारा बाड़ी। ये तो पूरी कहानी भरत भाई ये है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, ये पूरी कहानी ऐसी ही है आपकी। और मैं इसमें एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जब हम आपका प्रोफाइल भी देख रहे थे तो उसमें बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, उसमें एक भारत भारती संस्था भी है, उसके एग्जीक्यूटिव कमिटी के आप चेयरमैन हैं, तो ये भारत भारती क्या करती है और उसके बारे में कुछ बताइए, और उसने इस COVID-19 काल में कैसे कुछ काम किया आपकी संस्था ने, जिसके आप जी जो भारत भारती संस्था क्या है ये और क्या करती है? हमारे रुद्रनारायण जी, मुकेश भाई, ये जो लोग है वो आए थे, वो ऐसे रोटी तो कलेक्ट करते थे लेकिन उसके बाद सोचा कि भाई पर्वत पाटिया विस्तार जो है वहाँ पे उड़ीसा समाज, बिहार समाज, महाराष्ट्र समाज, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सारे संख्या में रहते थे और उसकी पूरा इलाका था। अच्छा। तो वहाँ पे अगर पर्वत पाटिया में एक सेंटर बना देते तो मेरे पास ऐसे वॉलेंटियर्स नहीं थे, तो भारत भारती, राष्ट्रीय सेवा संघ और वनवासी कल्याण, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS और ये वनवासी कल्याण, ये तीनों ने ये जिम्मेदारी बताई कि भाई ये भी RSS का ही विंग है, वनवासी कल्याण, तो ये वहाँ पे वो कुक किया और वहाँ पे ये लोगों के जो खाना है वहाँ पे रोटी की जरूरत नहीं थी, वो कहते हैं कि चावल दाल या जो खिचड़ी है और कढ़ी है और मसाला वाला भात है, तो चावल की चीजें वहाँ पे चलती थी, तो हमने इस हिसाब से
मसाला वाला खिचड़ी, इसमें सब्जी डाल के बनाना, ये सब मुकेश भाई जो तो फूड फूड सप्लाई का एक सूरत के एक क्षेत्र का काम भारत भारती ने संभाला। ये वहाँ का पर्वत पाटिया का संभाला और वहाँ पे 30,000 तक लोगों का खाना पकाया और वहाँ से वहाँ ही डिस्ट्रीब्यूट किया। 30,000 तक लोगों का, 30,000 भारत भारती, भारत भारती। और दूसरा ये हमारा पाल एरिया है तो वहाँ पे एक संस्था है वो मेरे ख्याल से चिल्ड्रन पार्क में वो खाना पकाती थी 7,000 आदमी का हर रोज का। लेकिन लॉकडाउन 1 खत्म होने पर वो बोले कि भाई हमारे पास अभी पैसे की तकलीफ है, वी कैन नॉट गो राइट। तो हमने बोला कि आप चिंता मत करो, पैसा सब हम देंगे, आपको मटेरियल हम देंगे, आप अपने जो कार्यकर्ता है आपके, आपको चालू रखो और भोजन सेवा चालू कर दो। तो वहाँ पे 7,000 जो उन्होंने बंद कर दिया तो हमने चालू कर दिया चाइल्डो के माध्यम से। बाद तो, में उलपाड़ में देखा कि उलपाड़ में लोगों की परिस्थिति खराब है, ये सब तो सूरत के अलग अलग हिस्सों क्षेत्र में भी हमने एक वहाँ पे एक भोजनशाला जीर्णोद करके गाँव है वहाँ पे भोजन 5,000 आदमी का बनाना शुरू किया। किम चौकड़ी पे वो पर प्रांतीय रहते और वहाँ पे तूफान भी होता था लोगों के पास। ये किम सूरत से बाहर हुआ, आउटर एरिया हुआ। नहीं, किम इज आल्सो इन सूरत जिला, सूरत जिला, लेकिन सूरत शहर से बाहर। ये तो उलपाड़ भी सूरत से बाहर बाहर है। ये ऐसे बोलो यहाँ इस पट्टी पर हम पांडेसरा तक भी नहीं गए, हम आगे ऊन, उसके बाद भेस्तान, उसके बाद सचिन इंडस्ट्रियल, उसके बाद लाजपुर, लाजपुर गाँव तक हमने खाना पहुंचा। तो मतलब ये पूरा इलाका हमने कवर किया। दर्शकों ये देख रहे हैं कि छायड़ो ने न सिर्फ सूरत शहर के जो श्रमिक वर्ग थे और निर्धन और कमजोर वर्ग थे उनको भोजन की सेवा की, साथ में सूरत के शहर के आसपास के जो रूरल और जो सबर्बन एरिया थे वहाँ भी जो बहुत बड़ी संख्या में जो नीडी लोग थे उनकी भी सेवा की। और सेवा छायड़ो ने जहाँ तक मैं समझ पाया दो तरह से की, एक तो भूखे को भोजन देके और दूसरा डॉक्टर्स और दवाइयों के माध्यम से जो छायड़ो की पूरी टीम है, छायड़ो के जो हॉस्पिटल चलते हैं उस उन लोगों ने भी कोरोना काल में मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान दिया डॉक्टर्स। ये हमारा कोरोना काल में डायलिसिस के पेशेंट को तो डायलिसिस करना ही पड़ता है, तो फिर भी हमारा स्टाफ पूरा ये कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में भी हमारा डायलिसिस सेंटर चालू रहा और सबका डायलिसिस हमने किया। ये भी बहुत बड़ा, तो स्वास्थ्य फील्ड में भी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान कर रहे हैं और भोजन देने में भी। और इसके अलावा मैं आपको जो बड़ी बात ये है कि जो साथियाट बनाने की बात है ना, तो गलतेश्वर संकुल है वहाँ पे सब गांव है, तो ये एपीएमसी मार्केट बंद हो गई, तो सब्जी मिल सब्जियों का मार्केट बंद हो गया, तो ये खेडूत लोग है किसान डायरेक्ट हमको सब्जियां देना शुरू कर देना शुरू किया और ये पैसे भी लेते थे थोड़े। लेकिन गलतेश्वर संकुल के जो भी गाँव है, टिम्बा करके गाँव है, शामपुरा गाँव है, ये संकुल के जो भी है लोग, उन्होंने अपने फार्म में से अपने खुद ने मजूरी करके साग भाजी काट के वो गाड़ी में लगा के खुद ड्राइविंग करके हमारी संस्था पे आके वो पूरा डोनेशन किया। क्या बात। और ये मैं आपको बताऊं, ये फिगर एक गांव का डोनेशन 25 टन 25,000 किलो, क्या बात। और एक गांव ने किया 40,000 किलो। आपने जोत जगाई, लोगों ने मिलके उसे मसाल बना दिया, हम अकेले ही चले थे। और मैं ये सब लोगों का मैं इतना बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पे विश्वास रख के उन लोगों ने, जो गृहणियों, जो हमारी नारी शक्ति ने जो हमें सपोर्ट दिया, ये जो मंदिर वाले जो है उन्होंने सपोर्ट किया, ये संस्थाएं है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये फार्मर्स थे जो अपने फार्म में से पूरा सब्जी काट के यहाँ पे लाए, उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सलामी तो मैं मेरे यहाँ जो अमीदरा सेंटर के कार्यकर्ता और रोटी कलेक्शन के लिए जो ये पोजीशन में, जब अपने पेरेंट्स वो कहते हैं कार्यकर्ता को, यंग चैप्स करने वाले हैं काम तक, तो यंग चैप्स को अपने पेरेंट्स कभी कभी ऐसे कहते हैं कि भाई तुम जाते हो, ये कोरोना वायरस आपको लग गया तो हमारा क्या होगा। तो इसी पोजीशन में, ये माहौल में भी अपने स्वयं पर रिस्क लेकर, स्वयं के जान पर खतरा लेकर भी उन्होंने सेवा कार्य में थोड़ी भी कमी नहीं की। और जैसा कहते हैं, ये तो मतलब आपने एक आप पर भरोसा किया, आप आगे बढ़े और वो पूरा समाज, आपने जो कम्युनिटी सर्विस की जो का जो भाव जगाया, लोगों में सेवा भाव जगाया और पूरा समाज जो जुड़ा, वो पूरा समाज अभिनंदन के पात्र हैं, चाहे वो गृहिणी हो। वो मैं वॉलंटियर्स का तो मैं क्या आपको, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम चलता था हमारे जो मेन सेंटर जी। तो सुबह 6 बजे से तपेला चढ़ेगा वो कुकिंग वाला जो, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 10 बजे खाना शुरू होना शुरू हो जाएगा।
तो 9 बजे वो हमारे जो वॉलंटियर्स भाई है वो आ जाते थे, वो 6 बजे तक काम करते थे। उसके बाद 6 बजे के बाद नेक्स्ट डे जो सब्जी बनाना है उसकी काटने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो 12 बजे तक चलती मैंने है। खुद कई सेंटर पे तो विजिट किया है भरत भाई, और मैंने देखा जिस डिवोशन से सारे लोग काम कर रहे थे, कोई उनको सुपरवाइज करने वाला नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, लेकिन सब लोग जिस फुर्ती से और सेवा भाव से, जिस समर्पण से काम कर रहे थे, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक एक सीखने का पल था। मैंने स्वयं कोरोना काल में आपके अधिकांश सेंटर पर मैं गया और मैंने देखा काम लेकिन करते ये जो हुए। कार्यकर्ता था ना जी, वो ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऐसे नहीं थे, लेकिन दे आर दी बिजनेसमैन। ये कभी अपने घर में एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पिया, उठा के नहीं पिया होगा। वो लोग रोटी पैक कर रहे थे और इतना श्रम किया, 8 घंटा पूरा एकदम। और ये जो उसके ऊपर भरोसा रखा, ये जो लोग को जो बांटते थे और ये खाना बाहर लाके उनको कंटेनर में डालना, ये सब बड़े मेहनत का काम। मैंने दो चीजें देखा भरत भाई कि इस पूरे कोरोना काल में दो तरह के लोग थे, एक जो सिर्फ कमियां निकाल रहे थे और सरकार पर दोषारोपण कर रहे थे, और एक दूसरा वर्ग वो था जो सरकार जितनी हर दे पूरे केंद्र की सरकार और हर राज्य की सरकार ने जिससे जो बन पड़ा किया, लेकिन एक दूसरा वर्ग ये था कि वो कमियों की तरफ फोकस ना करके जो उसमें क्या कॉम्प्लीमेंट्री अपने तरफ से योगदान हो सकता है वो योगदान करने में उनका पूरा फोकस था, आलोचना करने में फोकस नहीं था। और उस ऐसे पूरे मुहिम को सूरत में मुझे लगता है आपके नेतृत्व में, भरत भाई शाह के नेतृत्व में, छायड़ो ने ये काम किया और कम्युनिटी सर्विस का एक बोध कराया लोगों में कि हम आलोचना करने, फॉल्ट फाइंडिंग में अपना समय ना बिगाड़ें, हम सेवा काम करें और हम जो कमी जहां रह गई है उसको और पूरा करें। मुझे लगता है कि ये इसमें सबसे बड़ी बात रवि जी ये है कि ये रिवॉल्यूशन ये आया है कि ये हमने जो आज किया कि और इसमें आपने बताया कि पूरे लोग जुड़ गए और इसकी वजह से इसकी क्वांटिटी हम 125,000 तक में पहुंचा सके। 125,000 फूड पैकेट पर डे लूज फूड भी जो भी हाँ। लेकिन बहुत बड़ी बात, कैसे हुआ कि ये सबका साथ मिलने से हुआ। बिल्कुल, तो ये ऐसा है कि अगर भविष्य में भी ऐसी कोई भी चीज होती है और इस तरह की बात होती है तो अगर हम सबका साथ लेते हैं तो समाज जुड़ जाए, अच्छी तरह से पूरा समाज इसमें जुड़ जाए और एक विश्वसनीय नेतृत्व हो उसमें। सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वसनीय नेतृत्व हो, एक कोई भरत भाई शाह हो जिस पर समाज का भरोसा हो, तो दूसरे तरह के जो लोग हैं उनके लिए भी शिक्षा है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर खाली फॉल्ट फाइंडिंग ना करें। सिर्फ गालियां देना, आलोचना करने से कुछ भला होता नहीं किसी का। आप स्वयं से ईमानदारी से सवाल करें कि किसने किसने ये नहीं किया, रूपानी ने नहीं किया और मोदी ने नहीं किया और उन्होंने नहीं किया, चलो ठीक है। आप स्वयं से सवाल करें कि आपने क्या किया, और क्या आप ऐसा कोई अगर अगर मुहिम चला रहा था कोई भरत भाई शाह, कोई छायड़ो, तो क्या आप उससे जुड़ के आपने कुछ योगदान किया। हम लोग, हमारे जैसे लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमने उसमें एक गिलहरी की तरह ही एक छोटा सा योगदान किया, लेकिन किया। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस हम के द्वारा एक साथ हम जुड़ के बड़े से बड़े संकट का हम सामना कर सकते हैं, ये मैसेज छायड़ो ने दिया आपके नेतृत्व में। आप क्या कहेंगे इसमें बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेशन का भी पूरा सहयोग मिला, कॉर्पोरेशन का, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कि भाई जो जोन था तो जोन के जो ऑफिसर्स थे जी, वो अपने जोन के अंदर जो भी ऐसे ऐसे लोग है तो उसका एक क्वांटिटी बना के उनको दे देते। मैंने तो देखा कैसे फूड पैकेट लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे एसएमसी के लोग, और जोन वाइज गाड़ी भी बांटती है। हमारे एसएमसी के लोग जाते थे सूरत, एसएमसी के लोग जो है वो गाड़ियां लेके आते हैं और बांटते जोन में बांटते थे। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि वो जो ये पांडे सरा गोडादरा अपने भेस्तान ऊन सचिन इंडस्ट्रियल राजपुर इस तरह वो पाल से आगे उलपाड़ झिनोद वातीसा कीम चार रस्ता, ये सब अलग अलग प्रकार के जहाँ जाते थे वो हमारे कार्यकर्ता जाते थे। और बाहर के जो सेवाभावी संस्था है ऐसे भी हमारे पास ले जाते थे और बांटे थे जी। तो इस तरह से हमारा एक ही मस्तक से भूखे को भोजन देना का है, कौन दे रहा है कैसे दे रहा है ये नहीं देखने का है। दूसरी बात जो ये है कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन हुआ तो ये इतना आपने बताया आगे कि भाई ये सेंट्रल लेवल पे सबको मालूम पड़ा और बरखा दत्त यहाँ पे आके हमारा इंटरव्यू ले गई और ये वायरल हुआ, तो अमेरिका में
जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं उसके क्योंकि व्हाट्सएप तो जाता है तो सोशल मीडिया उन लोगों भी मालूम पड़ा, तो उससे बोस्टन स्टेट के एक टीवी चैनल है बीडीसी टीवी चैनल, अच्छा यूएस बोस्टन की, तो उन्होंने मेरा कांटेक्ट करके बताया कि हम आपका इंटरव्यू जूम पे लेना चाहते हैं। क्या बात, तो उन लोगों ने हमारा इंटरव्यू जूम पे लिया। तो ये बात जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत तक गई। हाँ, तो ये जो है हमने जो आइडिया लगाया रोटी दान का, रोटी दान का, और रोटी सेवा वही कहते थे व्हाट इज रोटी सेवा। तो ये जो बात है कि रोटी बनाने की वजह से अगर वो सेवा के माध्यम से आती है तो बड़े से बड़ा काम, और इसी तरह कोई भी है कोई भी चीज में हम ऐसा दिमाग लगा के अगर कुछ करते हैं और पूरे तो समाज को हम लेके साथ में चलते हैं तो बड़ा काम चौकस बड़ा काम हो सकता है। अब छायड़ों की बात की, अब मैं बात करना चाहूंगा भरत भाई शाह एक व्यक्ति के रूप में। भरत भाई व्यक्तित्व के बारे में आपके बात करें, आप सीए हैं, आपने आप बिल्डर रहे हैं सूरत में, आप कई सारी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हैं, मैंने सुना है सार्वजनिक एजुकेशन ट्रस्ट के आप वाइस चेयरमैन हैं, आप खुद के स्कूल आपके अपने जीवन ज्योत संस्था की स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, तो आप मेडिकल कई सारे हॉस्पिटल्स आपके छायड़ों के अंतर्गत चल रहे हैं, आई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा ये तीनों काम से आप जुड़े हुए हैं। आपने शुरू में बताया कि ये प्रेरणा आपको अपने घर से माताजी से मिली। आप अपने पूरे जीवन का अगर समअप करना चाहेंगे तो ये शिक्षा में, सेवा में और स्वास्थ्य में, तीनों में से किसको सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं और सबसे पहला ध्यान किस पर रहता है आपको? देखो ये तीनों चीज जरूरी है, तीनों चीज जरूरी है। ये हमारे देश की कमनसीबी है कि हमारे यहाँ निरक्षरता भी ज्यादा है, निर्धनता है, आज 30% लोग बीपीएल में है, और ये असमानता, एक 5% लोगों के पास 80% संपत्ति है, हाँ, और ये 30% तो हैंड टू माउथ, तो बहुत बड़ी समस्या है, तो पूरे विश्व की है, भारत की भी है। ये कई सालों तक हमारे आजादी के हुए लेकिन हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले 6-7 साल में तो गरीबी बहुत, जो बेसिक नेसेसिटी है जो हम चाहते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान, मकान, उसके बाद बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद पानी बिजली, ये सब जो चीज है 7 चीज में मानता हूँ, ये हर एक आदमी को, कोई गरीब है या अमीर है जी, उसको मिलनी चाहिए। और इसी क्षेत्र के हिसाब से जिसको वो नहीं मिलती है उसको हम, चाहे वो शिक्षण में नहीं मिलते तो वहां जाके ट्राइबल एरिया में गए, वो यहाँ पे अगर सूरत के जो गरीब लोग है जो इतना पैसा नहीं दे सकता है तो उसको राहत दर से हमने कुछ करने का कोशिश किया, उपलब्ध करवाया, जो बिल्कुल कमजोर है तो उसको फ्री में करने का उपलब्ध करवाया। और ऐसे अगर समाज के ऊपर, जब देश के ऊपर कटोकटी आती है, समझो नेपाल का भूकंप आया जी, ये मानवता के धोरण से हमने वहाँ पे 260 पूरा गांव बसा के दिया। अपने यहाँ कपास राजस्थान के बाद वहाँ पे जो रेल आई थी वो वहाँ पे हमने 50 घर बना के दिए थे, 50 घर बना के दिए। और इसके अलावा 2006 की रेल है, हाँ। या वो रेल मतलब फ्लड बाढ़, हाँ जी, वो जो 2006 में बहुत विभीषण मतलब साउथ में आया था ना रेल, साउथ में जी जी, दो साल पहले केरला में तो वहाँ पे हमने वो मदद किया। तो ऐसी जब ऐसी तकलीफ आती है देश के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और इन लोगों के लिए, सेवा के लिए हमारी जो भी सक्षमता है हिसाब से पूरी सेवा करने की कोशिश। भरत भाई एक बात बताइए, पूरे कोरोना काल में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा था, आपकी उम्र कितनी है? I am 70 70 साल में, पहले तो आप 70 साल के लगते नहीं है कि आपकी सेवा भाव की जो ऊर्जा है वो आपके चेहरे पर एक अलग झलकती है। तो मेरा एक व्यक्तिगत सवाल इसमें ये है कि मैंने सुना आपके पुत्र लोग भी इस सेवा कार्य में कोरोना काल में लगे हुए थे, आप भी लगे हुए थे, कभी ये डर नहीं लगा कि कोरोना हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, डर नहीं लगा कभी? हमारी भावनात्मकता शुद्ध थी, हमारी भावना यही है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, इन्फेक्शन लग सकता भी था नहीं भी लग सकता है, लेकिन आप कोरोना काल में मुझे लगता है 8 से 10 घंटे बाहर रहते थे घर से, सारे केंद्र पे घूमते थे, सुबह 10 बजे घर से निकल के शाम 7:30 बजे घर आता था, 10 बजे से 7 बजे तक आप बाहर रहते, खाना भी हमारे जो भी है वहाँ सेंटर वहीं पे खाता था जहाँ की हो सकता है इन्फेक्शन का खतरा हो, और ये पूरा घूमता था तो डर नहीं लगा आपको? नहीं,
ऐसा मैं डर से, और देखो अपनी तरफ से सोचूं तो 70 साल तो जीना जी लिया है, अगर हुआ तो भी क्या है फर्क पड़ता नहीं, अभी तो सारे दर्शकों की तरफ से मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम शतायु, कम से कम सेंचुरी मारें, क्योंकि भरत भाई शाह की बहुत जरूरत है लोगों को। लेकिन मैं ये बात भी बताता हूँ कि इतने 500 आदमी काम करने के बावजूद जी 27 मार्च से आज तक किसी भी हमारे वर्कर या जो वॉलंटियर से, वो कुकिंग का काम करने वाले कर्मचारी है, वर्कर है, कुक है जी, किसी को भी नहीं, छोटा सा किसी को भी नहीं हुआ इन्फेक्शन, किसी को भी फीवर भी नहीं आया। क्या बड़ी, बहुत बड़ी बात है ये, इसका क्या कारण आप मानते हैं? गॉड इज ग्रेट। क्या बात, जब सेवा में हम जाते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, तो वो ध्यान रखता है, वो हमारा ध्यान रखता है, हम लोगों का ध्यान रखना है, वो हमारा ध्यान। क्या है कि ये जो काम है ये भगवान का काम, भगवान का काम है, इस भाव से कर रहे थे, अपने आप को सदनसीब समझते हैं कि भगवान ने हमें ये प्रेरणा दी है और ये प्रेरणा के हिसाब से हम ये काम इम्प्लीमेंट करते हैं। दर्शकों, दूसरे के लोग दूसरे घरों में तो अपने सीनियर सिटीजन्स को लोग मना करते हैं बाहर निकलने से, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि भरत भाई शाह खुद बाहर निकल रहे थे और इनके बेटे भी बाहर उस सेवा केंद्र पर जाके खुद फूड पैकेट में बना रहे थे और सुबह से शाम तक लगे रहे थे, और किसी को, जैसा उन्होंने बताया 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, किसी को आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और सेवा में कितनी शक्ति है, सेवा में जो ईश्वरीय आशीर्वाद, अगर आप आस्थावान हैं तो ईश्वर का जो आशीर्वाद मिलता है उसका भी ये भाव झलक रहा है। आप भरत भाई, आपको अभी जो कोरोना काल में, आपको क्या लगता है, आप मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, आपके अंडर बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनको आप सुपरवाइज करते हैं, तो आपको क्या लगता है आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कोरोना काल में वो कैसे बचाव करें स्वयं का? देखो, ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, लॉकडाउन ओपन किया है, अनलॉक किया है जी। आज हम हर दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कोरोना के केस बढ़ते जाते हैं जी, और अनलॉक करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमी पूरी टूट जाएगी, देश एकदम बहुत तकलीफ में आ जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिल्कुल वेर भी बिखर जाएगी, तो इसके लिए अनलॉक करना भी जरूरी है। लेकिन यही बात हमें सबको, मैं कहता हूँ कि ये पीरियड में अपने आप को खुद ही संभालना है, स्वयं की जिम्मेदारी समझनी है, स्वयं ही जिम्मेदारी समझो, सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, और ये जरूरत पड़े सैनिटाइज तरत कर दो, किसी चीज को लग गया एक बोतल सैनिटाइज की अपने जेब में रखो, इमीडिएटली सैनिटाइज करके हाथ साफ साफ कर दो, और जितना हाथ साफ करके उसका वो अपनी आंखों के पास, इसके पास नहीं, टच नहीं करो। दूसरा जो बताते हैं कि साबुन से थोड़े थोड़े दिन, थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर अपना हाथ साफ करते रहना चाहिए, ऐसी जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट बता रही है उसका पूरा अमल करो। ये अभी जो अपनी गवर्नमेंट की जो साइट आई है आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु जो ऐप आया जी, उसको डाउनलोड कर, उसको पूरा डाउनलोड करो, ताकि अगर पॉजिटिव पेशेंट आपके आसपास होगा तो वो अलर्ट देता है, अलर्ट करेगा आपको, और इस हिसाब से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये अपने खुद ये सब करना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, रहना है, और साथ साथ में जो काम में आप जुड़े हो वो काम भी करना है, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है, और इस तरह से धीरे धीरे हम वापस वही रफ्तार पे आ जाए कि ताकि हमारा जो पहले का था वही चीज़ हम आगे बढ़ा जाए। हम चाहते, लेकिन कम नसीबी है कि हमारे देश के इतने सालों के बाद भी हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है जी, और मुश्किली और दुख की बात ये है कि ये जो लॉकडाउन हुआ इससे बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास गरीबी में आ जाएगा, और ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले भी ये तकलीफ में आ गए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर भी विश्वास है, हम इस दौर से बाहर निकलेंगे, हम ये जो तकलीफ में से बाहर निकल के यही रफ्तार में हम आगे बढ़ेंगे। भरत भाई, सूरत में जैसे छायड़ो काम कर रही है, एक डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जिसके प्रमुख हैं पद्मश्री कनू भाई टेलर जी, उन्होंने भी दिव्यांगों पर फोकस करके हजारों फूड किट्स किट बांटे हैं,
और दिव्यांगों के घर घर पहुंचाया है फूड पैकेट्स, और ये पूरे कोरोना काल में किया है। आप भी उस उनके कार्यों को जानते होंगे, उस बारे में आपका क्या उसका विचार है उनके बारे में? अनु भाई तो परम आदरणीय है, वंदनीय है, ये मैं उसको प्रभु के रूप से ही बोलता हूँ। और ये जो दिव्यांगों के लिए उन्होंने जो काम सालों से कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है, और उसके कार्य को लेके ही उसको एक पद्मश्री का खिताब भी सरकार ने दिया, भारत सरकार ने दिया जी। और पूरे मेरे में मुझे मेरी जानकारी है तब तक पूरे इंडिया के सब मेजोरिटी स्टेट्स ने उसको सम्मानित किया है, अंतर्राष्ट्रीय सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी सम्मानित है। और ये काम भी ऐसे करते हैं, और सूरत में वो जो दिव्यांगों के लिए बच्चे को जो स्कूल चलाते हैं, बीसीए कॉलेज, और ये कॉलेज चलाते हैं, उसके साथ साथ वो एक हॉस्पिटल वहाँ चलाते हैं, मुफ्त ऑपरेशन वहाँ दिव्यांगों का जो ऑपरेशन होते हैं जी, मुफ्त दिव्यांगों का, पूरी दुनिया से दिव्यांगों के लिए उसका जो काम है वो बड़ा सराहनीय है। और कनु भाई इज ए वेरी सूरत का एक, मैं बताऊँ, एक गहना है जी, बिल्कुल आभूषण है सूरत के, डायमंड ऑफ द यस इट्स ज्वेल आप बोलो, यस ये है। और इसके साथ साथ ये मैं ये जो सेवा कोविड में उन्होंने किया है दिव्यांग सब दिव्यांगों के, नॉट इन सूरत ओनली बट इन तापी, व्यारा, डांग, आवा, ये सब जो जगह पे जो भी दिव्यांग लोग थे, इन सब के घरों में वो अनाज की कीट बांटी है उन्होंने, तो मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। और हीरो ऑफ दी कोविड 19 के रूप से मैं उनको भी सम्मान करता हूँ। दर्शकों, जिस आज शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, श्री भरत भाई शाह, जिनके जितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेवा की संस्थाएं हों, वो शिक्षण की संस्थाएं हों, जिसमें सामान्य शिक्षा से लेकर आदिवासी बच्चों की शिक्षा से तक शामिल है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, मुफ्त भोजन देने की बात हो, तरह तरह के कार्य से जो भरत भाई जुड़े हुए हैं, और जितने तरह की संस्थाओं से जुड़े हुए हों, चाहे वो छायड़े हो, भारत भारती हो, लायंस क्लब हो, वो सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी हो, जीवन ज्योति ट्रस्ट हो, इतने जितने तरह के संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अगर इनके सारे कार्यों पर हम बात करें तो 24 घंटे का भी समय कम पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया में समय नियंत्रित होता है, ऑलरेडी हम समय सीमा को पार कर चुके हैं, तो अब हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे। और अंत में भरत भाई से एक ही सवाल कि आपके इन सभी तरह के कार्यों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? एक पार्टिंग कमेंट, लास्ट कमेंट, सबसे बड़ी प्रेरणा आपको, ऊर्जा और प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैंने आगे भी बताया आपको जी, और ये नेचुरल है मैं समझता हूँ, और कर्म की फिलोसोफी के हिसाब से भगवान ने मुझे ये वैचारिक दिया है, और अंदर से ही ये भाव रहता है करुणा, दया। और कोरोना को आपने करुणा से मारा, हाँ, कोरोना का सामना करुणा से किया, सही बात है, यस। ये और ये सबका नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मेरा नेचर पहले से ऐसा है कि जब मैं किसी दुखी को देखता हूँ, और हम एक बात आप भी समझते हैं कि कोई आदमी मरने के बाद कुछ ले जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाता है, ये फिलोसफी एवरीबॉडी नोज, लेकिन फिर भी कई लोग उसके पीछे पड़ते रहे, भूल जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं, और भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद है मेरा पर कि मैं दूसरे के लिए भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो चीज यूज करता हूँ, ये एक आदमी दूसरा आदमी भी ऐसा ही चीज यूज करे, और इस तरह से ये मेरी कल्पना है। आप एक, आपको एक बार मैंने गीत गुनगुनाते सुना है, वो गीत आप एक बार गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, किसी की ठीक है, आप हमारे दर्शकों के लिए वो गीत गुनगुना दीजिए आप। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत आभार भरत भाई शाह। आज दर्शकों हम बात कर रहे थे एक ऐसे इंसान से जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से महामानव कहना चाहूंगा, जिन्होंने समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है,
और समाज के लिए बहुत बड़ा सेवा का कार्य, मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं और जिनसे हजारों लोगों की जीवन हर साल जीवन की रक्षा होती है, ऐसे भरत भाई साहब आप स्टूडियो में आए, पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतायु हो, दीर्घायु हो, इस प्रार्थना के साथ कि आपके जैसे भरत भाई शाह समाज को अभी बहुत चाहिए और आप स्वयं हमें कई दशकों तक चाहिए भारतीय समाज को, ऐसे भरत भाई शाह के सतायु और दीर्घायु होने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।